चलें देखें, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड था, ये कंबाइन हुआ था किसके साथ? RuBP लिख दिया मैंने। RuBP किसको कहते हैं? R4 रेबुलॉज है, ठीक है ना, B4 बाय फॉस्फेट है, ठीक है, रिबुलॉज। RU किसको? रिबुलॉज को शो कर रहा है। B किसको? बाय को शो कर रहा है। P किसको? फॉस्फेट को शो कर रहा है, ठीक है। ये दोनों कंबाइन किए, किसने कंबाइन किए? एंजाइम ने। क्या नाम था? क्या नाम था? कौन बताएगा मुझे आप में रेबिस्को। से? यस, वेरी गुड। उस एंजाइम का नाम क्या था? रिबिस्को। रिबिस्को, ठीक है। अच्छा, इस RuBP के पास कितने कार्बन है? 5, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन। दोनों मिले तो एक 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड एक प्रोडक्ट बन गई, उसका नाम है कीटो एसिड। बुक में इसका जिक्र नहीं है आपकी, ठीक है। कीटो एसिड क्या है? अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो जो अनस्टेबल होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। क्या हो गया? ब्रेक हो गया। इसने ब्रेक होके 3 कार्बन, इसने ब्रेक होके क्या बना लिया? 3 कार्बन कंपाउंड बना लिया, 3 कार्बन कंपाउंड बना लिया। अब वो जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो क्या है? G3P है, जिसको आप नाम दे रहे हैं ग्लाइसरीड 3 फॉस्फेट का नाम दे रहे हैं। समझ आ गई बात? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? आ गई, आ गई। उफ, खुदाया। यस, चले, अच्छी बात है, माशाल्लाह, समझ आ गया। चले जी, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब मैं आता हूँ आपके बुक के थोड़ा सा लेक्चर के ऊपर, कि क्या कहती है बुक आपकी। ये तो हम इसका इंट्रो डिस्कस कर रहे थे अब तक, कि ये क्या होगा। जी रिमशा, बोले बेटा। इसमें एटीपी, एटीपी की अभी इतनी नीड नहीं है इसको, लेकिन चाहिए तो होती है, लेकिन खैर अभी एटीपी यूटिलाइज नहीं की गई है इसके अंदर। मैंने गलती से कह दिया, सॉरी, मेरी मिस्टेक, कि एटीपी की मदद से एटीपी अभी इसके अंदर यूटिलाइज नहीं की जाएगी। एटीपी बाद में यूटिलाइज की जाएगी। ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट को ना ग्लाइसरेट 1 3 बाई फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के एटीपी यूज की जाएगी। मेरी मिस्टेक, सॉरी। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, ये तो ये मिस्टेक हो जाती मुझसे, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब आपके बुक की तरफ आते हैं। आपका बुक क्या कहता है? ये तो मैं अपने पास से इंट्रो दे रहा था आपको थोड़ा बहुत। देखें जी, अगर बेसिकली देखा जाए, डार्क रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। डार्क रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन जो है सेपरेट फ्रॉम वाटर। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये तो हम थोड़ी सी अपनी बात करी। तो देखें, इन डार्क रिएक्शन हाइड्रोजन क्या होगा? सेपरेट होगा फ्रॉम वाटर, वाटर से सेपरेट होगा। कंबाइन विद किसके साथ कंबाइन होगा? यहाँ पे होगा वो सारा प्रोसेस, हुई कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म सिंपल कार्बोहाइड्रेट। फिर वो कार्बोहाइड्रेट भी आगे जाके चेंज होती है स्टार्च में, और सब बता चुका हूँ मैं आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। बाय द किसकी मदद से भाई? बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। लोग कहते हैं एटीपी, मैं इसके साथ एडिशन करता हूँ, एटीपी एंड एंजाइम, एंड एंजाइम ऑफ स्ट्रोमा। एंजाइम ऑफ स्ट्रोमा भी चाहिए होंगे, उसके बगैर कैसे हो सकता है ये प्रोसेस। तो डार्क रिएक्शन के अंदर केमिकल एनर्जी जो है इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच2, बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो देखिए, मेल्विन कैल्विन वर्क ऑन पाथवे ऑफ कार्बन टू कार्बोहाइड्रेट। इन दोनों ने अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको, मेल्विन कैल्विन, इन्होंने वर्क किया, वर्क ऑन द पाथवे। अब आपको C3 प्लांट्स का भी पता चल गया होगा क्यों कहते हैं। अब देखें, फोटो रेस्पायरेशन में वहां पे जो पहली प्रोडक्ट बनती है उसके बाद 4 कार्बन होते हैं, इसलिए उसको C4 प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पे जो G3P पहली प्रोडक्ट बन रही है उसके पास 3 कार्बन थे, इसलिए इसको C3 प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है। पाथवे ऑफ कार्बन
कार्बन टू कार्बोहाइड्रेट। बड़ा सिंपल चैप्टर है, पता नहीं क्यों आप लोग इसको दिमाग पे सवार करके रखते हैं। मैं कहता हूँ इससे आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई नहीं है। अच्छा, तो यानी कि वर्कआउट किया और स्टोमा के अंदर हुआ, पता चल गया आपको कैल्विन मेल्विन हैंडर्स कोलीग्स वगैरह ने, ठीक है इनके, ठीक है कोलीग्स वगैरह ने, तो कार्बन टू कार्बोहाइड्रेट। कल इंशाल्लाह बहुत डिटेल इसकी पढ़ेंगे हम, यानी कि इस चैप्टर को कोशिश करूंगा कि खत्म होने की जानिब लेके जाऊं। कैल्विन गॉट नोबेल प्राइज ऑन हिज वर्क। अब जाहिल लोग हैं, बुक का सिलेबस मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह करे ये बुक चेंज हो जाए, अल्लाह करे ये बुक चेंज हो जाए, ठीक है, और बड़े कोई अच्छे अंदाज के अंदर ये बुक आ जाए आपके पास, ठीक है। उसकी वजह ये है कि बहुत से पैदागीरों की पैदागीरियां बंद हो जाएंगी, बुक चेंज हो गई ना, जो रट रटा के कुछ डॉक्टर लोग आ गए ना इस फील्ड में, डॉक्टर लोग आ गए, सब भागेंगे यहाँ से। फेडरल की अच्छी है, उसी को तो कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, और जितने भी पैदागीर बुक जिस दिन चेंज हुआ अल्लाह की कसम ये जो पैदागीर रट के बैठे हुए सब भाग जाएंगे। और कोई अच्छी टिपिकल टाइप की बुक दें, टिपिकल टाइप का टॉपिक दें, मजा भी आए पढ़ाने में। अच्छा जी, बहरहाल नोबेल प्राइज उनको मिला, ठीक है, नोबेल प्राइज उनको मिला, ठीक है ना। तो इसलिए इस डार्क रिएक्शन को आप चाहें तो कैल्विन बेंसन साइकिल भी कह सकते हैं, चाहे तो कैल्विन मेल्विन साइकिल या कैल्विन बेंसन साइकिल का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि उसके कुलीग के अंदर या आपके पास यानी कि बेंसन भी शामिल था। अब देखिए, इस बुक में कुछ नहीं बताया उसने कि क्लोरेला था उसमें फर्स्ट टाइम, और जब मैं वहाँ पे यानी कि क्लोरेला की इंपॉर्टेंस के अंदर मैं बताता हूँ ना कि इट यूज इन फिजियोलॉजिकल, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो बच्चे वहाँ चौंक जाते हैं कि कैसे फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करता। खैर, हम उस सेंस में नहीं जा रहे, हम आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, कैल्विन साइकिल जो है, कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन का वर्ड यूज करें तो ज्यादा अच्छा है मेरी नजर में। डार्क रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 13, देख लें जी कितने, 13 मेन रिएक्शन, और 13 मेन रिएक्शन कौन कराता है, विच आर कैटलाइज्ड बाय 11 enzymes की मदद से। बट हमने क्या करा, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases। हमने इसको कितने फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया है, 3 phases के अंदर हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला फेज क्या है, कार्बो ऑक्साइलेशन, मतलब क्या हुआ, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्ट बता रहा हूँ, डिटेल आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, इन विच कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद, अभी पूछता हूँ मैं तुमसे एक चीज, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन। हाँ भाई बताए मुझे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम क्या था, क्या नाम था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, RUBB। अच्छा, किसके साथ कंबाइन हुआ था, सही तो बताए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किसने कंबाइन करवाया था, रिबिस्को, वेरी गुड। क्या बना था, कीटो एसिड, वेरी गुड, शाबाश। फिर कीटो एसिड के पास कितने कार्बन थे, 6 कैसे आए इसके पास, स्प्लिट हो गया, वन कार्बन डाइऑक्साइड और जो भाई 5-6 कहाँ से आए इसके पास, 6 कार्बन इसके पास कहाँ से आए, आज सर एक कार्बन डाइऑक्साइड से आया, एक कार्बन डाइऑक्साइड का 5 आर यू
बीपी के थे एक कार्बन छह हो गए, छह हो गए, और ये क्या था कीटो एसिड, स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल था, अनस्टेबल था, तभी क्या हो गया, ब्रेक हो गया, कितने बना लिए, थ्री बना लिए, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे चलता हूँ मैं, थोड़ा सा इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं इनके बारे में आइडियाज दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद रिडक्शन, तीन मेन स्टेप में हमने डिवाइड किया है। दूसरा है रिडक्शन, इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस and phosphoglycerate aldehyde, short में PGAL भी कह सकते हैं, P for phospho, G for glycerate, AL for aldehyde, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन के अंदर, रिडक्शन देखिए आखिरी फेज है, रिडक्शन आखिरी फेज है, रिडक्शन के अंदर चीजें रिड्यूस होंगी, जैसे कि सपोज करें कैसे चीजें कैसे रिड्यूस होंगी, देखें रिडक्शन के अंदर क्या होगा, चीजें रिड्यूस होंगी कैसे, कि जी थ्री फॉस्फेट चेंज होगा 1,3, आपके पास यूं कह लें कि बायफेस बायफॉस्फेट के अंदर, फिर उसके बाद क्या होगा, यानी कि ग्लाइसेट 3 फॉस्फेट के बाद इसके अंदर, यानी कि NADPH2 ATP molecules, तो रीअरेंजमेंट इसके अंदर थोड़ी सी रिडक्शन होगी। रिडक्शन किन चीजों की होगी, जो आपके पास कंपाउंड्स बनेंगे, कंपाउंड में से कुछ चीजें आएंगी और कुछ चीजें जाएंगी। कैसे रिडक्शन कैसे हो रही है, सुने सुने मेरी बात, G3P बना था ना, G3P के अंदर से क्या होगा, G3P क्या करेगा, ATP की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरोड 1,3 बायफॉस्फेट में, फिर ग्लाइसेट 1,3 फॉस्फेट पता है क्या करेंगे, NADPH2 थ्रू तो था, उस NADPH2 के हाइड्रोजन ले लेंगे, ठीक है, बना लेगा वो क्या, ग्लाइसेट एल्डिहाइड 1,3 बायफॉस्फेट, फिर ग्लाइसेट एल्डिहाइड 1,3 बायफॉस्फेट अपने अंदर से एक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा, जब एक फॉस्फेट को उसने रिलीज कर दिया तो ग्लाइसेट 3 फॉस्फेट हो गया, बायफॉस्फेट खत्म हो गया, फिर वो कंबाइन हो जाएगा डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ, DHAP के साथ, तो ये सारा क्या है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन उस वक्त तक रिडक्शन होती रहेगी जब तक के सिंपल कंपाउंड के अंदर ये चेंज नहीं हो जाता, और सिंपल कंपाउंड या शुगर आपके पास क्या है, सैक्रोस या फिर क्या चीज है, स्टार्च है, इस तरीके से ये रिडक्शन होती रहेगी इसके अंदर, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल बताऊंगा, इसकी एक एक डिटेल बताऊंगा। अच्छा जी, रिमूव करता हूं मैं इसको, थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप कौन सा होगा इसके अंदर, रीजनरेशन, अब रीजनरेशन में हम देखेंगे कि रिडक्शन के दौरान कितने मॉलिक्यूल्स आए कार्बन के, कितने मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हुए, और किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट जनरेट हुआ बना, ठीक है, इन विच रिड्यूस कार्बन, कार्बन इज यूज्ड रीजनरेट द कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स और यूज्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर क्या होगा, यानी कि रीजनरेशन के अंदर, इसके अंदर फिर आकर के आपके पास रीजनरेशन के अंदर बेसिकली तौर के ऊपर याद रखिएगा कि ये जो RUBP था ना, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ था डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस के, और फिर वहां पे आके मैनी, यानी कि कार्बन की अरेंजमेंट हो गई थी, यानी कि मैनी कार्बन की अरेंजमेंट क्या हुआ, पहले 5 कार्बन थे RUBP के पास, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड आया, 6 कार्बन हो गए, फिर उसके बाद ये टूटा तो 3 कार्बन हो गए, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि नंबर ऑफ कार्बन का रीजनरेट होना। सुने फिर एक दफा कि RUBP के पास 5 कार्बन थे ना, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड का आया, कितने हो गए, 6 कार्बन कंपाउंड हो गए, फिर 6 में से दोबारा टूटा, कितने हो गए, 3 कार्बन कंपाउंड हो गए,
तो ये इनकी क्या हो रही है, रीजनरेशन हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रही है एक तरीके से किसी कार्बन कंपाउंड की। और फाइनली यानी कि रीअरेंजमेंट के अंदर, रीजनरेशन के अंदर फाइनली जाकर के रीजनरेट कर लेंगे किसको, स्टार्च को रीजनरेट कर लेंगे स्टार्च को। तो जो मेन आपके पास फेज है, मेन फेज दो है, एक मेन फेज जो है आपके पास वो कौन सा है, सुन लीजिएगा, एक मेन फेज जो है आपके पास वो कौन सा है, यानी कि कार्बन फिक्सेशन और दूसरा रिडक्शन। रीजनरेशन में तो हम रिडक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन फिक्सेशन और रिडक्शन में जो नंबर ऑफ कार्बन कप एंड डाउन हुए थे उन्हीं के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि देखिए इतने कार्बन आए, फिर ये चले गए, फिर एक कार्बन आया, फिर ये चले गए, फिर हाइड्रोजन ले लिए, तो कैसे ये रीजनरेट हुए आपके पास। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक। अब इसकी डिटेल डिस्कस करनी है, ठीक है, लेकिन डिटेल में अब आज नहीं डिस्कस कर सकता, मेरी नेक्स्ट क्लास जो है कल तो नहीं हुई थी, इसलिए 5:15 तक मैंने क्लास ले ली थी, तो आज मेरी फिर क्लास स्टार्ट है 5 बजे, तो वो भी एंट्री ही की क्लास है, तो इसलिए मैं दिल तो नहीं चाह रहा मेरा छोड़ने का, दिल चाह रहा है इसको पकड़ के रखूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है ये टॉपिक, लेकिन खैर क्या करें, इसको छोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब ऐसा करेंगे कल बड़ी लंबी एक क्लास लेंगे हम, और कल लंबी क्लास लेकर के मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कल जो है डार्क रिएक्शन को ख़त्म करा दूं, C4 प्लांट्स या C4 फोटोसिंथेसिस आपको बता दूं, C4 फोटोसिंथेसिस के बाद मैं आपको कैम साइकिल बता दूं, सेलुलर एस्पायरेशन में आपको ख़त्म करवा दूं, सेलुलर एस्पायरेशन में ऑक्सीडेटिव फास्फोलाइरेशन बता दूं, एरोबिक एनएरोबिक रेस्पायरेशन बता दूं, और इसकी फर्मेंटेशन को कल देख लें, फर्मेंटेशन के बाद इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस और ग्लाइकोलाइसिस। मेरा इरादा यह है कि ग्लाइकोलाइसिस तक मैं चलूं, फिर रह जाएगा हमारे पास क्रेब्स साइकिल, बस क्रेब्स साइकिल रह गया, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं पीछे, फिर आपके पास सिंपल टॉपिक है फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम, उनको वर्बली हम डिस्कस करेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी को, ट्रॉपिकल लेवल को, इनको। तो कल भाई बड़े अच्छे से खा पी के, नाश्ता वाश्ता करके या लंच वंच करके बड़े अच्छे से बैठना, कल तुम्हारी बड़ी बावली उतरने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है, क्या हुआ, भाग नहीं जाना कल, हाँ कल इंग्लिश का टेस्ट कितने बजे बताए कोई एक आप में से, 8 बजे है ना, मैं तो 6 बजे छोड़ दूंगा ना आपको, तो अगर कादिर 1 बजे लेता है, 1 से 2, 2 से 3 उसने करी, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 3 घंटे मैं ले लूंगा। ठीक है, फिर 6 बजे के बाद 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटे आपके पास बचेंगे टेस्ट की तैयारी के लिए, फिर आप टेस्ट कर दीजिएगा। अब आप कहेंगे सारा दिन पढ़ पढ़ मर गए, थक गए, क्या करें, ख्वारी हो रही है। ठीक है, तो इंसान क्या एक जानवर की ज़िंदगी अच्छी होती है, तो भाई इसका मतलब देखिए ये 2 साल इन्हीं दिनों के ऊपर आपकी सारी मेहनत डिपेंड करती है, आज मेहनत कर लेंगे तो फिर कल बड़ी आपकी सुकून की ज़िंदगी हो जाएगी। एक दफ़ा MBBS में एडमिशन हो जाए, उसके बाद भले पढ़ें या नहीं पढ़ें, भाड़ों में झोंकें MBBS को, निकलेंगे डॉक्टर बन के, भले 10 साल बाद निकलें, 15 साल बाद निकलें, 20 साल बाद निकलें। केमिस्ट्री की आज क्या है, 4:30 नहीं हुई केमिस्ट्री की आज क्लास, नो सर जी। बेनजीर बोले बेटा, बोले आयशा जहीर, एमसीक्यूज काहे के एमसीक्यूज दे दूं मैं, ठीक है, मैं जब इसे क्लास की टाइमिंग का बता देता हूँ, 9 के बाद है, ठीक है 9 के बाद है, चैप्टर 9 के की पॉइंट्स और चैप्टर 9 के टेस्ट, 4-5 टेस्ट भेज रहा हूँ, एक टेस्ट तो मैं लूंगा चैप्टर 9 का मंडे को, वो तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, चैप्टर 9 के मैं भेज रहा हूँ आपको, ठीक है, PDF में भेज रहा हूँ, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद भेजूंगा, मगरिब तक तो मेरी ये चलेगी एंट्री की, अभी मगरिब की नमाज पढ़ के फिर मैं आपको भेज दूंगा। और हाँ, जो चैप्टर 8 हुआ था उसकी की भी भेज रहा हूँ, उसकी की भी भेज रहा हूँ, क्योंकि बच्चे एंड में भाग जाते हैं जब मैं चैप्टर टेस्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, बच्चे भाग जाते हैं, एंड में होते ही नहीं है बच्चे बिल्कुल भी, उसकी की भी भेज रहा हूँ, उसका रिजल्ट भी अभी भेज रहा हूँ, अपना रिजल्ट बना के भी भेज रहा हूँ, और आपको वो रिजल्ट भी भेज रहा हूँ जो आपने किया था, कौन कौन से ऑप्शन थे, ठीक है, उसका मैं PDF भेज रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन मगरिब की नमाज पढ़ के मैं भेजूंगा आपको ये, ठीक है, अभी तो असर पढ़ूँ, फिर ये एंट्री की क्लास शुरू है, इसको मैं निपटाऊँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।